नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। पिछले वीडियो में हमने कंसेप्ट देखा था पॉइंटर टू पॉइंटर का, मीन्स डबल पॉइंटर का। तो इस वीडियो में हम उसका एक छोटा सा प्रोग्राम लेने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, तो चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, लेट्स बिगिन। सो गाइज, अब हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं डबल पॉइंटर का जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मैं हैश इंक्लूड वगैरह सब चीज़ें डाल देता हूँ। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h और उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। ओके, अब इसके बाद मेन फंक्शन void main। ओके, अब देखो, अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाला हूँ जिसका नाम ए होगा और इसमें हम इंटीजर टाइप कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे। मैं करने वाला हूँ 3। ओके, ए इज इक्वल टू 3। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देता हूँ जो ए को पॉइंट करेगा, मतलब कि स्टार ptr1। ये एक सिंपल पॉइंटर, ये डबल पॉइंटर नहीं है। ओके, अब इसके बाद मैं डबल पॉइंटर को भी डिक्लेयर कर देता हूँ जो पॉइंटर वन को पॉइंट करेगा। ओके, तो डबल स्टार ptr2। आपको पता है कि ये डबल पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। ओके, तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं एड्रेसेस को एलोकेट कर देता हूँ, मतलब कि एक का एड्रेस जो है मैं पॉइंटर वन में डाल देता हूँ और पॉइंटर वन का एड्रेस मैं पॉइंटर टू में डाल देता हूँ। ओके, तो पॉइंटर वन मतलब कि ptr1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और ए। ओके, अब ए का जो एड्रेस है वो ptr1 में स्टोर हो चुका है और उसके बाद ptr2 इज इक्वल टू एंड ptr1। ओके, तो अब पॉइंटर वन का जो एड्रेस है वो पॉइंटर टू में, मतलब कि डबल पॉइंटर में स्टोर हो चुका है। ओके, अब इसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं पॉइंटर टू में जो एड्रेस है पॉइंटर वन का उसे डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो प्रिंट एफ और एड्रेस ऑफ पॉइंटर वन इज इक्वल टू %d और उसके बाद मैं सिंपल पॉइंटर टू को वहाँ पे डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि पॉइंटर वन का जो एड्रेस है वो डबल पॉइंटर यानी पॉइंटर टू में स्टोर है, तो ptr2। ओके, उसके बाद गेट ch और आखिरी करली ब्रैकेट। ओके, मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं, रन करके देखते हैं डायरेक्टली। ओके, तो देखो, एड्रेस ऑफ पॉइंटर वन इज -14, मतलब कि मेमोरी में -14 एड्रेस पर, लोकेशन पर हमारा पॉइंटर वन जो है वो स्टोर हो चुका है। ओके, तो अब आगे बात करते हैं। देखो, अगर मैंने ऐसा किया, प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू %d और उसके बाद अगर मैंने स्टार ptr2 का यूज़ कर दिया तो क्या होगा? ptr2 करने पर क्या होता था, पॉइंटर टू में ptr2 में जो एड्रेस है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता था। देखो, अब क्या होगा, जब मैं स्टार ptr2 का यूज़ करूँगा तो पॉइंटर वन में जो एड्रेस है वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। पॉइंटर वन में एड्रेस कौन सा है? वो एड्रेस है ए का, राइट? तो देखते हैं कि ये होता है या नहीं। अगेन सेव और रन। ओके, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन देना भूल गया। ओके, अगेन सेव और रन। अब देखो, एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू -12, मतलब कि ए का एड्रेस जो है वो है -12। अब देखो, अब अगर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है आउटपुट स्क्रीन पे तो मैं कैसे करूँगा, तो वो भी देख लेते। तो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d और इसके बाद मैं डबल स्टार पॉइंटर टू, मतलब कि डबल स्टार और उसके बाद पॉइंटर नेम, डबल पॉइंटर नेम इसके यूज़ करने वाला हूँ। तो स्टार स्टार ptr2। ओके, अब क्या होगा, डबल पॉइंटर जिस भी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है और वो पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू आपको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो सेव
और रन। अब देखो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हमें आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है। तो देखो जब मैं PTR2 का यूज़ करता हूँ, मतलब कि डबल पॉइंटर का सिंपल यूज़ कर देता हूँ, तब उस डबल पॉइंटर में जो एड्रेस है पॉइंटर 1 का वो डिस्प्ले हो जाएगा। जब मैं स्टार पॉइंटर का यूज़ करता हूँ, स्टार PTR2 का मतलब कि स्टार डबल पॉइंटर का, तब उस ए का जो एड्रेस है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और जब मैं डबल स्टार PTR का यूज़ कर देता हूँ तब आपको ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो अगर आपने पिछले वीडियो देखी है तो आपको ये प्रोग्राम जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो वो जाके पहले देख लो। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप अपने जो डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उनका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी, हैव अ गुड डे, बाय।